हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। ये चैप्टर के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाट आर इट्स फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। व्हाट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन? कि यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो खुद के मर्जी से मेंबर बन सकता है। वॉलंटियर मतलब क्या? खुद के मर्जी से, कोई भी यहाँ पे कंपल्शन नहीं होता है मेंबर बनने के लिए। और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। तो कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और खुद के इच्छा अनुसार वॉलेंटरीली वो लोग क्या करते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। और जब ये लोग इकट्ठा होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, अपने स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं। और फिर ये जो सेविंग्स इन्होंने कलेक्ट किया है उसको वो लोग क्या करते हैं, जो भी उनके सोसाइटी के या उनके एसोसिएशन के या उनके ग्रुप के लोग हैं जो नीडी है, ओके, जिनको पैसे की जरूरत है, तो उनको वो लोग क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो भी उनका कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है उसको वो लोग फुलफिल करते हैं। ओके, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि हम लोग ने एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की। ओके, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसे होता है कि सारे मेंबर जो है थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे और हर एक मेंबर में से किसी को अगर सपोज पैसे की जरूरत होगी तो उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो लोन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो उससे क्या हो रहा है कि मेंबर की जो भी फाइनेंशियल नीड है वो फुलफिल हो रही है। या कभी कभी ऐसे होता है कि सपोज हम सब लोग फार्मर्स हैं, ओके, और फार्मर से तो हम लोग को एग्रीकल्चर करने के लिए इरिगेशन की जरूरत है, जैसे कि कुआं वगैरह बनाना है या ट्रैक्टर खरीदना है, हम लोग को फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, तो उसके लिए हम लोग को पैसे चाहिए। तो हम सब लोग क्या करेंगे, पैसे को कलेक्ट करेंगे और वो पैसे से हम लोग ट्रैक्टर खरीदेंगे या फिर फर्टिलाइजर खरीदेंगे, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल करेंगे। तो ये हमने क्या किया, हमारा सबका कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसको फुलफिल किया। ओके, तो यही यहाँ पे होता है कि कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो एक होते हैं, पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो भी नीडी मेंबर्स होंगे उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है या फिर सबका कॉमन इंटरेस्ट जो होता है उसको फुलफिल किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे सेल्फ हेल्प या म्यूचुअल हेल्प ये प्रिंसिपल चलता है। सेल्फ हेल्प मतलब कि एक दूसरे को हेल्प करना, आपस में एक दूसरे के साथ हम लोग को क्या करना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। नाउ यहाँ पे मीनिंग अगर आपको लिखना है तो मीनिंग कैसे लिख सकते हो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं ताकि वो लोग अपने कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। जैसे मैंने अभी आपको दो एग्जाम्पल दिए, उनको अगर फाइनेंस की जरूरत है तो फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सकता है मेंबर्स को, अगर सपोज मेंबर्स को किसी चीज की जरूरत है तो वो चीजें वगैरह उनको प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हर एक मेंबर जो है वो अपना जो सोसाइटी है उसके लिए काम करता है और सबकी इकोनॉमिक जो भी नीड है उनको फुलफिल करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। ओके, यहाँ पे मेन एक चीज होती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, यहाँ पे सर्विस मोटिव होता है। सर्विस मोटिव का मतलब क्या है कि हम लोग को अपने मेंबर्स को हेल्प करना है, ना कि हमको प्रॉफिट कमाना है। बाकी सारे जो बिजनेसेस हम लोग ने पढ़े, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या आगे हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारे प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेसेस है। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जो सर्विस ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, सर्विस ओरिएंटेशन के हिसाब से यहाँ पे काम किया जाता है। यहाँ पे ईच फॉर ऑल और ऑल फॉर ईच ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, मतलब सब लोग मिलके एक दूसरे के लिए काम करेंगे या एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ये प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ना ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था, हर एक बिजनेस एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है और वो एक्ट के अंदर वो पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं या वो बिजनेस को फॉर्मेशन करने के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर लिखे रहते हैं, और उस एक्ट के हिसाब से ही वो बिजनेस जो होता है वो फॉर्म करना पड़ता है या चलाना पड़ता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर करना पड़ता है। कुछ ऐसे स्टेट्स है जैसे बंगाल है, बिहार है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है, चेन्नई है, इनके खुद के अपने एक्ट है, मतलब पर्टिकुलर स्टेट के उनके अपने सेपरेट एक्ट है, और वो पर्टिकुलर एक्ट के अंदर भी वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। ये बिजनेस जो होता है इसके अंदर मिनिमम 10 मेंबर्स लगते हैं, 10 मेंबर्स को इकट्ठा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे मेंबरशिप के ऊपर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है, मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। ओके, तो ये सब था कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैन्युफैक्चरर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स एक हो सकते हैं और वो लोग क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर सकते हैं सारे जन एक होके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह या दूसरे बिजनेस के रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो चीजें होती है वो सब लोग मिलके परचेज कर सकते हैं, जैसे मशीन खरीदना है या दूसरी कोई भी चीजें टूल्स वगैरह उनको चाहिए तो वो सब वो लोग परचेज कर सकते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि एक दूसरे को फाइनेंस दिया जाता है, पहले वो लोग फाइनेंस को कंट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा सब लोग फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर जिसको पैसा चाहिए रहेगा उसको लोन के तौर पे दिया जाता है। ओके, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कंज्यूमर्स एक होते हैं, ओके, और वो लोग फिर क्या करते हैं, बाहर चीजें बहुत महंगी मिलती है इसके लिए वो लोग सब लोग एक होते हैं, पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और चीजों को परचेज करते हैं, तो वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। तो ऐसे अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। दूसरा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारी जो सोसाइटी होती है दैट इज ऑल्सो कोऑपरेटिव सोसाइटी। वहां पे क्या किया रहता है कि हमारे सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने पैसा कलेक्ट किया, एक जगह परचेस किया और वहां पे उन्होंने अपने घर बांधे या बिल्डिंग बांधा और वहां पे सिर्फ सब लोग रह रहे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं और वो लोग अपने कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ रहेगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो क्या लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 ने दिया हुआ है, जिसके हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है उसको ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है उनके मेंबर्स का। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैंने आपको अभी बताया कि जैसे हम लोग फार्मर्स है तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है कि हमको इरीगेशन चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। अगर सपोज हम लोग कंज्यूमर्स है तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है कि हमको सस्ते दाम में ग्रोसरी या दूसरी चीजें चाहिए। अगर सपोज हमको लोन की जरूरत है तो वो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया। तो ये जो बिजनेसेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनके मेंबर्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसको प्रमोट करना है या उसको फुलफिल करना है एज पर द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या होता है कि एक दूसरे को हेल्प करना। तो ये डेफिनेशन आप लोग याद रख सकते हो। ये पूरा इंट्रोडक्शन था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। Now we'll start what are the features of cooperative society. सबसे पहला फीचर है cooperative society का, वो है voluntary association and open membership. Voluntary association के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको शुरुआत में बताया कि ये जो सोसाइटी फॉर्म की जाती है या ये जो टाइप का बिजनेस शुरू किया जाता है यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं voluntarily आ सकते हैं। यहाँ पे किसी के ऊपर भी जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है, कंपल्शन नहीं किया जाता है। तो ये लोग वॉलेंटरीली अपना एक एसोसिएशन मतलब ग्रुप बनाते हैं। इसकी मेंबरशिप जो होती है वो सबके लिए ओपन होती है। किसी भी कास्ट का पर्सन होने दो, किसी भी क्रीड मतलब क्या, कलर, हम लोग काला गोरा जो बोलते हैं वो क्रीड होता है, किसी भी रिलीजन का पर्सन होने दो वहां पे या किसी भी जेंडर का पर्सन होने दो वहां पे वो मेंबर बन सकता है। सो मेंबरशिप इज ओपन फॉर एवरीवन। किसी भी मेंबर के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं किया जाता है जब उसको मेंबर एडमिट किया जाता है तभी। ओके, सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन एंड इट्स मेंबरशिप इज ओपन फॉर एवरीवन। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। नाउ डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है कि गणतंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे देश के अंदर भी हम लोग डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। नाउ डेमोक्रेसी में कैसा होता है कि सारे डिसीजन जो होते हैं मेजोरिटी के हिसाब से लिए जाते हैं। मतलब कुछ भी डिसीजन अगर उनको लेना है, जैसे कोई मशीन परचेस करना है, किसी को अपॉइंट करना है या कोई भी दूसरी चीजें अगर करनी है तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग के अंदर डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद में सब लोग मेजोरिटी में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ओके, और यहाँ पे वोटिंग होता है कि जैसे कि सपोज मशीन, आप लोग को कोई मशीन खरीदनी है तो सारे मेंबर्स आएंगे मीटिंग में, सबके सामने वो प्रपोजल रखा जाएगा मशीन परचेस करने का, हर एक मेंबर फिर वोट करेगा और वोट करने के बाद में जो भी मेजोरिटी होगा, जैसे कि मैक्सिमम लोग हाँ बोल रहे हैं, जैसे 10 मेंबर से तो 10 में से 8 लोग हाँ बोल रहे हैं तो वो मेजोरिटी हाँ हो जाएगा, मेजोरिटी अगर ना बोल रहे तो मेजोरिटी ना हो जाएगा, वो डिसीजन ना हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होता है कि वोटिंग किया जाता है, वोटिंग के थ्रू जो भी मेजोरिटी आता है वो मेजोरिटी के बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। और वोटिंग भी कैसे होता है, यहाँ पे वन मेंबर वन वोट होता है, मतलब एक इंसान एक ही वोट करेगा यहाँ पे,
क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कैसा होता है, वन शेयर वन वोट होता है। मतलब एक इंसान के पास अगर 10 शेयर होंगे तो उसके 10 वोट हो गए, 1000 शेयर हुए तो उसके 10,000 वोट हो जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक पर्सन है, फिर भले ही उसके पास कितने भी शेयर होने दो, वो वोट एक ही करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए मीटिंग अरेंज की जाती है, मीटिंग में वोटिंग होता है, एक मेंबर एक ही वोट करता है, और वोटिंग के हिसाब से जो भी मेजोरिटी होती है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। मतलब डिक्टेटरशिप नहीं चलती है कि मैंने जो बोला वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सबके मेजोरिटी से यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। मैनेजमेंट, नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट कौन देखता है? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, डेली जो काम होता है उसका प्लानिंग करना, सबको काम बांट के देना, सब काम बराबर होना है कि नहीं, वो सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट होता है वो देखा जाता है बाय द मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स। मतलब जो मेंबर्स होते हैं उनके उनकी एक कमिटी बनाई जाती है। जैसे कि सपोज हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 20 लोग हैं, ओके, तो उसमें से 5 लोग या 10 लोग ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे जो मैनेजिंग कमिटी का जो रोज का कामकाज है, प्लानिंग वगैरह जो मैंने बताया, अकाउंटिंग का काम होता है, फाइनेंस का काम होता है, वो सब वो देखेंगे। सो जो मेंबर्स है उन मेंबर्स में से ही क्या किया जाता है, एक मैनेजिंग कमिटी बनाई जाती है। और ये मैनेजिंग कमिटी जो होते हैं वो बाकी सारे जो मेंबर्स है या शेयर होल्डर्स है उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है कि सारे मेंबर्स या सारे शेयर होल्डर्स मिलके ये मैनेजिंग कमिटी को अपॉइंट करते हैं। इलेक्ट करना मतलब क्या, उनको अपॉइंट करना, ओके। तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं मैनेजिंग कमिटी को इलेक्ट करते हैं या अपॉइंट करते हैं, और सारे डिसीजन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं, वो मैनेजिंग कमिटी लेती है। और सारा जो रोज का एडमिनिस्ट्रेटिव डे टू डे काम होता है जो मैंने आपको बताया, वो सारा जो काम होता है ये लोग हैंडल करते हैं, मैनेजिंग कमिटी वाले। तो बेसिकली मैनेजिंग कमिटी जो होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाती है, जो उसको मैनेज करती है। रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस जो होता है इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। ये बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे स्टेट्स है जैसे बंगाल है, महाराष्ट्र है, ओके, तो या बिहार वगैरह है, उनका अपना खुद का एक सोसाइटी एक्ट होता है, तो उसके अंडर भी उसको रजिस्टर किया जा सकता है। तो या तो आप इसको इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में करो, या फिर आपके स्टेट का खुद का पर्टिकुलर एक्ट है तो उसके अंडर उसको रजिस्टर करो, पर ये बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना जो होता है वो कंपलसरी होता है। नाउ रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे मिनिमम 10 मेंबर्स की जरूरत होती है, ओके, जो अडल्ट मेंबर्स होने चाहिए, 10 मेंबर मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और ये बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए काफी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो थोड़ा सा इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट रजिस्ट्रेशन के अपने कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो इस तरीके से आपको लिखना है कि ये बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और इसको ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, इसमें 10 मेंबर्स की जरूरत होती है और काफी सारे लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। सेपरेट लीगल स्टेटस, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस जो है इसको रजिस्टर करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये बिजनेस जो होता है इसको अपना खुद का एक सेपरेट स्टेटस मिल जाता है। मतलब कानून के नजरों में कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग हो गई और उसके मेंबर्स अलग हो गए, ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपने नाम से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है। सो हर एक जो चीज है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है, खुद के नाम से कर सकती है, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसका अपना खुद का एक स्टेटस है, ओके। नाउ यहाँ पे अगर सपोज कुछ भी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो उसके लिए शेयर होल्डर या मैनेजिंग कमिटी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, हाँ, पर वो आंसरेबल होते हैं, ओके। उनको अगर कोई भी चीज जो है पूछी जाती है तो वो उसके लिए उनको आंसर देना पड़ेगा। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कानून के नजरों में अलग है और उसके मेंबर जो है वो अलग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद के नाम से चीजें कर सकती है, ओके। जैसे हमने देखा था कि सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप वगैरह होता है, वो जो होता है वो सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है उनका। हर एक चीज जो होती है पार्टनर के नाम से या सोल प्रोप्राइटर के नाम से की जाती है, पर यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी, नाउ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है।
ना व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ती है बिजनेस के लायबिलिटीज के लिए. उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर. अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर का मतलब क्या है, सपोज मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर परचेस किए हैं जिसकी वैल्यू है 10 रुपीज, उसमें से 7 रुपीज मैंने ऑलरेडी पे किया है, 3 रुपीज अभी मेरा अनपेड है. तो अगर सपोज मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कोई लायबिलिटी हुई, कर्जा हुआ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कितना है, 3 रुपीज. वो 3 रुपीज में पे करूंगा और साइड में हटूंगा, उसके अलावा मैं मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ भी दूंगा नहीं सोसाइटी के लायबिलिटी के लिए. हम लोग ने सोल ट्रेडिंग में देखा था, सोल ट्रेडिंग में कैसा है कि उसको बिजनेस प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ रही है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ रही है, बिकॉज उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी. यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड है तो उनको पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती नहीं है. नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे मिनिमम 10 मेंबर की जरूरत होती है और मैक्सिमम मेंबर्स के ऊपर कोई भी लिमिटेशन होता नहीं है. तो ये आप लोग मेंबरशिप याद रखना मिनिमम कितना होता है वो, ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन. इक्वल वोटिंग राइट, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इक्वल वोटिंग राइट होता है, 1 person 1 vote होता है. भले ही आपके पास कितने भी शेयर हो, आप सिर्फ एक ही वोट कर सकते हो यहाँ पे. अगर आपके पास 1000 share है फिर भी आप एक ही वोट करोगे, 5 share है तो भी एक ही वोट करोगे, 1 share है तो भी आप एक ही वोट करोगे. तो यहाँ पे इक्वल वोटिंग राइट को फॉलो किया जाता है. ओके, वही मैंने आपको जैसे बताया जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसा होता है, शेयर के बेसिस पे होता है, आपके पास जितने शेयर उतने आपके वोट. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. तो 1 person 1 vote irrespective of how many shares are held by that particular person, यहाँ पे वोटिंग की जाती है decisions लेने के लिए. और सबसे important वाली चीज है कि ये business जो होता है वो service motive रखता है. okay, इनका main objective जो होता है वो service provide करना होता है, ना कि profit कमाना. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सपोज यहाँ पे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, अपने जो भी मेंबर्स हैं उनको सस्ते दाम में गुड सप्लाई करेगी. या फिर अगर सपोज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, अपने मेंबर्स को लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है लो इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करेगी. सो मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर सोसाइटी फॉर्म की जाती है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए. ओके, तो ये सारे फीचर्स थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के. ये मेरे URL है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए है. थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.